सही बात है, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। 5G का प्लेटफॉर्म देखिए, भारत का प्लेटफॉर्म, और ये दुनिया भर के लिए तैयार है, और ये मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म है। तो बहुत ही बढ़िया आपने बताया। देवेंद्र चौकसी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या डॉक्टर साहब, बताइएगा। ओके, तो जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ। मयूरेश जोशी जी जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल में। जोशी जी बताइए, आपने क्या रीड किया इस AGM से? आफ्टरनून हेमंत जी, नहीं बिल्कुल, जैसे नीरज जी ने कहा हेमंत जी, आई थिंक जो नेट डेट फ्री स्टेटस हो गया है, जो गूगल की नई इन्वेस्टमेंट आई है 33,737 करोड़ फॉर अ 7.7% स्टेक का, और गूगल का उपयोग कहाँ करेगी ये कंपनी? 4G और 5G हैंडसेट्स बनाने के लिए विद गूगल एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। यानी आप समझिए कि आई थिंक जो 2G मार्केट है, जो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक ये सारा का सारा मार्केट अगर राइट डायरेक्शन में राइट प्राइस पे कैप्चर किया जाता है, तो सब्सक्राइबर एडिशन जियो प्लेटफॉर्म्स पे कितने जोरदार तरीके से बढ़ेंगे इसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा, आई थिंक विद द ओवरऑल मनी कमिंग इन, आई थिंक जो नेट डेट थी एट 1,60,000 करोड़, इट हैज बिकम अ नेट कैश कंपनी एज ऑन डेट, जहां पे 62,000 करोड़ उनके किटी में पड़े हैं। तो दैट्स अ ह्यूज ह्यूज पॉजिटिव। दूसरा, जैसे गौरंग और नीरज ने कहा, जो 5G की कैपेबिलिटी है, और जैसे ये इंटीग्रेट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जैसे 5G स्पेक्ट्रम स्टार्ट होगा तो दे विल बी एट द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ गिविंग एंड अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी, बट ग्लोबल स्केल का भी ये सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दैट। जैसे नीरज जी ने बताया, आई थिंक हुआई के साथ जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यूके ने एक्चुअली बैन कर दिया, US ने बैन कर दिया है, तो देयर इज अ ह्यूज ह्यूज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर 5G एंड द टेक्नोलॉजी दैट जियो इज प्रॉमिसिंग। तीसरा, आई थिंक जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस, आई थिंक थोड़ी निराशाजनक इन्वेस्टर्स इसलिए हो रहेंगे क्योंकि मुकेश भाई ने शायद स्टेटमेंट में कहा कि डील डिले हुई है, पर बात यह समझना चाहिए कि डील डिले हुई है, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि द डील हैज बीन कॉल्ड ऑफ या हम दो बार सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट Aramco इज एक्सपेक्टेड टू डू। इनफैक्ट रिटेल के कारोबार में एक बड़ा इन्वेस्टर जो आएगा, आई थिंक दैट कैन बी अ ह्यूज ह्यूज वैल्यू डिस्ट्रप्टर एंड अ ह्यूज वैल्यू एडिटर। और जो आई थिंक स्पिन ऑफ करने की सोच रहे हैं ऑयल टू केमिकल का कारोबार, विद इन्वेस्टर्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम इन पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में, जो हाई मार्जिन बिजनेस होने की क्षमता रखता है रिलायंस के लिए, विद ऑल द फीड स्टॉक दैट दे हैव प्रॉपर्ली गॉट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो पेट्रोकेमिकल से आती है $16 प्रति बैरल कंपेयर टू रिफाइनिंग एट $6 पर बैरल, आई थिंक दैट कैन बी अ गेम चेंजर एज वेल।